हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम क्लास सिक्स का ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। लेसन टू हम पढ़ेंगे, इसका नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। तो दोस्तों मैंने इस चैप्टर का वन और टू नंबर का क्वेश्चन पिछले वीडियो में सॉल्व कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? जिसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ 6 महीने लगातार दिन और रात होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा, दैनिक गति और वार्षिक गति में निम्नलिखित अंतर है। दैनिक गति, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। अब वार्षिक गति है, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस गति को ही वार्षिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अक्ष किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? पृथ्वी के शीत कटिबंध वाले भाग में कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि इस भाग में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती। सिक्स नंबर में है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति होती है? इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर 2 कटिबंध हैं, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ती है। चौथे नंबर में है, विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं उनका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। केन्या, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, गेवान, सोमालिया, युगांडा, कांगो गणराज्य, इक्वाडोर को हम कोलंबिया भी बोलते हैं। अब है शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम। शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस आदि। अब है शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, उत्तरी अफ्रीका, जापान, कनाडा, भारत, USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको हम अमेरिका बोलते हैं, इत्यादि। यानी कि और भी देश शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। यहाँ पे कुछ देशों के नाम बोले गए हैं, तो हमने कुछ देशों के यहाँ पे नाम लिखे हैं। पांचवें नंबर में बोल रहा है कि दिए गए चित्र में सही स्थान पर कटिबंधों के नाम लिखिए। तो ये वाला यहाँ पे फिगर दिया गया है, इसमें हमने कटिबंधों के नाम लिखे हैं। ये भाग जो है ये है दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध, और ये वाला भाग है दक्षिण शीत कटिबंध, ये वाला भाग उत्तर शीत कटिबंध है, और ये वाला भाग उत्तर समशीतोष्ण कटिबंध, और ये वाला भाग है उष्ण कटिबंध, और ये वाला भाग भी उष्ण कटिबंध कहलाता है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ महादेशों और महासागरों के नाम छुपे हैं, उनकी पहचान कीजिए और घेरिए। तो इसमें मैंने कुछ महादेशों के नाम और महासागरों के नाम को घेरा लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद है यूरोप, एशिया। तो इसमें अगर आपको कोई और भी नाम दिख रहे हैं तो आप उसको घेर सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।